स्वागत हो रहा है वीडियो में। सो बात करते हैं हीरो आईएसएल के बारे में। सो आईएसएल में आज मैच मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस उड़ीसा एफसी, और ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा मैच होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मोहन बगान उड़ीसा का मैच हुआ था वो मोहन बगान के लिए उतना अच्छा गया नहीं था। 5-2 था स्कोर लाइन एफसी कप में, बट मोहन बगान एफसी कप में मोहन बगान आईएसएल में बहुत डिफरेंस है, और लास्ट मैच मोहन बगान ने भी जीता है, और लास्ट मैच उड़ीसा का आईएसएल में था नहीं, तो एफसी कप में उन्होंने भी अपना लास्ट मैच जीता है। तो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, काफ़ी सॉलिड टीम है, काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड टीम है, और नहीं उड़ीसा ने भी अपना जो लास्ट मैच है वो जीता था एक्चुअली आईएसएल में। सो हाँ, ये दर्शाता कि नहीं यार स्ट्रॉन्ग टीम है, और ईजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और थर्ड और फोर्थ टीम का लड़ाई है, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ से भी ज़्यादा ये नंबर वन पोजिशन के लिए लड़ाई है दोनों ही टीम के लिए। मोहन बगान अगर ये मैच जीत जाते तो वो थर्ड से सेकेंड पोजिशन में आ जाएंगे गोवा के बिल्कुल नीचे, और उड़ीसा अगर ये मैच जीत जाते तो वो अगेन लाइक यू नो थर्ड पोजिशन में चले जाएंगे। तो दोनों के लिए ही जीतना बहुत वाइटल हो जाता है, क्योंकि नंबर वन पोजिशन की लड़ाई है ये, और दोनों ही टीम काफ़ी अच्छे कंटेंडर है फॉर द नंबर वन पोजीशन। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस मैच के रिजल्ट फाइनली क्या होगा, क्योंकि सी प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट दोनों ही टीम के की प्लेयर्स इस मैच के लिए अवेलेबल हैं, और दो कोचेस का लड़ाई है, प्लेयर्स का लड़ाई हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि इस मैच के रिजल्ट फाइनली क्या होता है। लेकिन बात कर लेते हैं ग्लेन मार्टिस को लेकर। सो ग्लेन मार्टिस, आपको पता होगा कि मोहन बगान सुपर जायंट्स ग्लेन मार्टिस को रिलीज करना चाहते हैं विंटेड ट्रांसफर विंडो में, और लोन डील तो लोन डील, अगर लोन डील नहीं तो लाइक प्रॉपर जो हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वही होगा। तो ग्लेन मार्टिस के ऊपर लाइक यू नो बहुत सारे रूमर्स है कि गोवा ने अगेन इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि सी ग्लेन मार्टिन एक्चुअली गोवा के ही प्लेयर है, मतलब गोवानीज प्लेयर है, और ओरिजिन उनका लाइक यू नो वो गोवा के ही प्लेयर, इसी की वजह से गोवा उनका साइनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड जो गोवा के जो फुटबॉल फैंस है वो भी ग्लेन मार्टिन को देखना चाहते हैं, क्योंकि होम प्लेयर है। कौन सा लाइक यू नो क्लब के फैंस अपने होम प्लेयर को अपने क्लब में खेलते हुए नहीं देखना चाहेगा, वो एक अलग फीलिंग है जो कि मैं समझ सकता हूँ। बट गोवा उतना भी लाइक इंटरेस्ट है बेसिक लेवल में एंड ग्लेन मार्टिन से, बिकॉज गोवा का रिलेशन भी अच्छा है, तो शायद वो साइन करवा ले, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना लाइक यू नो बाकी दो क्लब्स जिन्होंने बहुत हेविली इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने ज्यादा ऑफर भी किया है, एंड वो दो क्लब्स गोवा को छोड़ के है हैदराबाद एफसी और जमशेदपुर एफसी। हैदराबाद को भी प्लेयर्स की जरूरत है, जमशेदपुर को भी प्लेयर्स की जरूरत है, बट हैदराबाद को ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनका हालत ज्यादा खराब है। सो इसी की वजह से अभी वो चीज थोड़ा सा क्रिटिकल पोजिशन में है। अब देखते कि क्या ग्लेन मार्टिस फाइनली मोहन बगान छोड़ के कौन से क्लब में जाते हैं, अगर वो जाते तो वो क्लब कौन सा होता है। चलो बात करते केरला ब्लास्ट के बारे में। तो दानिश फरूक को मिला है टोटल 4 येलो कार्ड, और इसी की वजह से नेक्स्ट जो मैच है केरला का पंजाब एफसी के अगेंस्ट में, उस मैच के लिए दानिश फरूक सस्पेंडेड हो चुके हैं एंड वो नहीं खेल पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा ब्लो नहीं है केरला के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड केरला का टीम ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, तो अगर दानिश फरूक एक मैच के लिए नहीं खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि दुनिया बदल जाएगा। सो हाँ, बहुत टेंशन वाला कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि उस मैच में केरला एक्चुअली में दानिश फरूक की जगह में किसको प्लेस करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है एक नए प्लेयर को मौका मिलेगा। चलो बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना ने इंटरेस्ट दिखाया वैन डी बीक के ऊपर। अब वैन डी बीक का परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा खास नहीं रहा है यूनाइटेड में अभी तक का, उनको वन ऑफ द लाइक यू नो वो साइनिंग में कंसीडर किया जाता है, लेकिन क्या एक्चुअली वैन डी बीक बहुत खराब प्लेयर है तो नहीं, बहुत खराब प्लेयर भी नहीं, लेकिन हाँ वैन डी बीक को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो खेल नहीं पाएंगे, इस सीज़न में तो उनको प्रॉपरली प्ले टाइम भी नहीं मिला है, तो इस सीज़न में जज करना सही नहीं होगा। एज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 26 ईयर्स एज इनका, सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है, अब फॉर्म इतना गंदा डिप किया है मेरे हिसाब से यूनाइटेड इनको आराम से छोड़ देगा, ज़्यादा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और बार्सिलोना का भी एक बहुत अच्छा मेंटेलिटी है कि उनको एक कॉम्बिनेशन बैठाना है फ्रेंकी डी योंग और वैन डी बीक के साथ, क्योंकि इन दोनों का एक तो पेयरिंग अच्छा था नेदरलैंड्स में एक टाइम पे, अब यूनाइटेड में इनका फॉर्म इतना गंदा डिप किया कि अब नेशनल टीम में भी उनको हार्डली मौका मिलता है, बट अब वो कॉम्बिनेशन फिर से हम लोग बार्सिलोना में देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या फाइनली वैन डी बीक बार्सिलोना में आते या नहीं। चलो बात करते हैं न्यूकासल के बारे में। तो न्यूकासल ने इंटरेस्ट दिखाया डेविड डिगिया के ऊपर। अब डेविड डिगिया करेंटली फ्री एजेंट है, वो किसी भी क्लब में नहीं है, तो न्यूकासल के लिए ऐसा नहीं कि साइनिंग करना बहुत कोई डिफिकल्ट होने वाला है। अब डेविड डिगिया का फॉर्म, मतलब अभी ओनाना या डेविड डिगिया को अगर मैं कंपेयर करूँ तो डेविड डिगिया ओनाना से ज़्यादा बेटर गोलकीपिंग उन्होंने किया एक टाइम पे, और ऐसा नहीं कि गोलकीपर ख़राब है, अगेन यूनाइटेड में जाते ही बहुत गंदा फॉर्म का डिप, और देखते हैं कि क्या डेविड डिगिया को हम लोग न्यूकासल में देख पाएंगे या नहीं आने वाले सीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। तो प्रीमियर लीग में आज रात 1:45 पर मैच है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड।
एक तरफ चेल्सी, चेल्सी से ऑनेस्टली बता रहा हूँ ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने लायक अभी तक कोई काम किया नहीं है वैसे चेल्सी ने कि ज़्यादा उम्मीद रखे हम लोग। और ये मैच वैसे 50-50 ऐसे हरे बोल तो बोला जा रहा है, क्योंकि है 50-50 ही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यूनाइटेड 7th पोजीशन में, चेल्सी 10th पोजीशन में, ऐसा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं। चेल्सी के लिए जीतना लाइक बहुत वाइटल हो चुका है, अब मतलब अब सिर्फ टॉप सिक्स तो भाड़ में जाए, कॉन्फिडेंस के लिए उनको जीतना होगा। उनका टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस फॉर्म बहुत गंदा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा गंदा डिप किया है चेल्सी ने रिसेंट टाइम में। आप लास्ट मैच ऑल्दो चेल्सी ने जीता है 3-2 से ब्राइटन के अगेंस्ट में, बट फिर भी परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। तो चेल्सी का ना मतलब वो सेम रिदम मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे सिटी के साथ उन्होंने ड्रॉ करवाया 4-4, उसके बाद न्यूकासल के साथ 4-1 से हार गए, फिर ब्राइटन के साथ जैसे तैसे 3-2 से जीता है। सो अब मतलब क्या असेसमेंट निकाले हम लोग, सिटी वन ऑफ द बेस्ट क्लब है प्रीमियर लीग का जिसके साथ आपने 4-4 करवाया, मतलब टीम के पास वो स्ट्रेंथ तो है, वो एबिलिटी है, लेकिन वो निखर के आ नहीं रहा है। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में चेल्सी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, यूनाइटेड का भी परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने लायक चीज़ होगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद को लाइक करना, शेयर करना इस बीच में, एंड अगर विषय में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड मैं